हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई 26 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। इसी नाप का हमें लाइनिंग के लिए कपड़ा लेना है। लाइनिंग वाले कपड़े को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर प्रिंटेड कपड़े को हमें उल्टा करके रखना है। सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब इसमें हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है, लेकिन इसमें हमें डोरी डालने के लिए थोड़ा सा खुला रखना है। तो ऊपर से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक निशान 1 इंच नीचे लगाएंगे, यानी 3 इंच पर और एक निशान 4 इंच पर हमें लगाना है। यहाँ तक सिलाई करेंगे और उसको उतनी दूर को छोड़कर हमें फिर आगे सिलाई करना है। और यहाँ भी मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच तक हमें खुला रखना है। उसके बाद सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ खुला रखेंगे और बाकी में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सिलना है और जहाँ पर निशान है लगभग 1 इंच की जगह हमें छोड़ देनी है। इसी तरह से हमें चारों कोनों पर करना है। यहाँ भी 1 इंच तक खुला रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे बीच से हमें फोल्ड कर लेना है, यानी जो 26 इंच वाली साइड है वहाँ से इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ पर हमें 1.5 इंच का बॉक्स बनाना है। 1.5 इंच लेना है लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में लेंगे। सिलाई के लिए हमें मार्जिन छोड़कर ये बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई लेकर एक स्क्वायर बना लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने कटिंग की थी उसमें से इसको हम सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये खुला हुआ है, तो यहीं से हमें निशान लगाकर सिलाई करनी है। जितना खुला हुआ है वहाँ पर लंबाई में हमें सिलाई करनी है। तो पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन हमें किस तरह ड्रॉ करनी है, देखिए जहाँ से खुला हुआ है वहाँ पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड और इसी को मिला लेंगे। लगभग 1 इंच चौड़ाई या फिर 1.25 इंच की चौड़ाई की जगह हमें छोड़नी है डोरी को डालने के लिए। तो इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। बस हमें सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है। अब जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक का पीस तैयार हो गया है। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। हैंडल के लिए मैंने 18 इंच लंबा और लगभग 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। अब इसके अंदर हम एक कपड़ा और लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसे रखकर दोनों किनारों को फोल्ड कर लेंगे। अंदर वाले कपड़े की जगह बुकरम या फोम भी ले सकते हैं। अब इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाकर हैंडल को हम बना लेंगे। इसको अंदर की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। साइड से मैंने 3 इंच 3.5 इंच पर निशान लगाया है, 3.5 इंच लिया है और नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, वहीं तक इसे हम बेल्ट को हमें रखना है या रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है
और यहाँ से भी 3.5 इंच यहाँ से लेंगे और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी लाइन के साथ में हमें बेल्ट को रखकर सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड मैंने हैंडल लगा लिए हैं। अब बस हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, लेकिन जो हमने डोरी डालने के लिए जगह रखी है उसको नहीं सिलना है, यहाँ से छोड़ देना है। ऊपर और नीचे सिलाई करेंगे, बीच में हम छोड़ देंगे। यहाँ से हमने खुला रखा है। अब जहाँ से हमने बॉक्स की कटिंग की थी उसके दोनों साइड को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसका बॉटम बन गया है। अब बैक को हम सीधा कर लेंगे। इसमें बस हमें डोरी डालनी है। तो डोरी को मैंने सेफ्टी पिन से एक साइड डालेंगे और दूसरे साइड से हमें इसे निकाल लेना है, और दूसरी डोरी हम पीछे की तरफ से डालकर निकाल लेंगे। आप चाहे तो कपड़े की डोरी भी बनाकर आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोनों साइड मैंने डोरी लगा ली है। अब इसमें मैं एक मोती लगा लूँगी जिससे कि डोरी खुले ना, या चाहे तो आप केवल डोरी को सुविधा के से स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। जब डोरी को खींचेंगे तो ये बैग बंद हो जाएगा। तो देखिए बैग बन गया है, और जब इसे हमें खोलना हो तो इस तरह से इसे खोलकर हम इसमें सामान रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।